हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एंटी नेट एजुकेशन प्रेपरेशन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट से आज मैंने जो आप लोग के लिए फर्स्ट टॉपिक लिया है दैट इज स्वाट एनालिसिस अ स्टडी अंडरटेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई इट्स इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ इट्स एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देखिए स्टूडेंट्स जब भी बात आती है स्वाट एनालिसिस की एज यू कैन सी की जो स्वाट है वो चार एल्फाबेट से मिलकर बना है एस डब्ल्यू ओ टी एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ्स डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस ओ फॉर ऑपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की तो ये आती हैं इंटरनल फैक्टर्स के रिगार्डिंग ऑपरचुनिटीज और थ्रेट्स जो आती है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिगार्डिंग आती हैं। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हम लोग इंटरनल फैक्टर्स के रिगार्डिंग क्यों लेते हैं क्योंकि कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के ऊपर कंट्रोल ओवर होता है वो जब चाहे अपने स्ट्रोंग पॉइंट्स को एनहेंस कर सकती है और वीक पॉइंट्स को खत्म कर सकती है और उसकी जगह पर अपने स्ट्रोंग पॉइंट्स को लगा सकती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो फ़ायदा हो और अगर हम लोग बात करें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की तो ये होती हैं एक्सटर्नल क्योंकि मार्केट में ही ये दोनों चीज़ें होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में मिलती हैं और ऑब्स्टेकल्स भी मार्केट में मिलती हैं आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ और ऐसे फैक्टर्स जो कि उसकी कंपनी को हार्मफुल हार्म होते हैं जो कि उसकी कंपनी को नीचे लेके आते हैं जैसे कि कस्टमर्स हो गए या फिर आ, कुछ भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से उसकी कंपनी को हार्म हो सकता है ये ये सारे फैक्टर्स कहां आते हैं मार्केट में इसीलिए ये क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स स्वाट एनालिसिस बेसिकली इट इज एन इन डेप्थ लुक एट एग्जैक्टली हाउ अ कंपनी ऑपरेट्स ये देखती है कि किस प्रकार से किसी कोई भी जो कंपनी है वो काम करती है ठीक है एग्जामिन करती है इसकी स्ट्रेंथ्स को वीकनेसेस वीक्स के जो वीक पॉइंट्स हैं उसको एक्नॉलेज में लेके आती है आइडेंटिफाई करती है इसकी अपॉर्चुनिटीज को और कौन कौन से थ्रेट्स हैं मार्केट में उसके बारे में स्वॉट एनालिसिस जो है वो बताता है एक एक करके हम इन सब के बारे में चर्चा भी करेंगे इन कंडक्टिंग स्वॉट एनालिसिस अ कंपनी एवेल्युएट्स इट्स करंट पोजिशन इन मार्केट कंपनी सबसे पहले मार्केट में स्वॉट एनालिसिस करते वक्त ये देखती है कि उसकी करंट पोजिशन क्या है मार्केट में और कंपेयर करती है कि उसे फ्यूचर में कौन कौन सी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं या फिर कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं कौन कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं कौन कौन से ऐसे वीक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उसकी कंपनी को हार्म हो सकता है नुकसान हो सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग इसकी स्ट्रेंथ्स स्ट्रेंथ्स क्या है क्टिकिस्टिक्स ऑफ बिजनेस दैट गिव्स इट एन एडवांटेजेस ओवर अदर यानी कि इस प्रकार की फीचर्स इस प्रकार की विशेषताएं जिसकी वजह से वो कंपनी ने मार्केट में अपना स्थान बनाया है अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल कस्टमर कस्टमर ने कहा भाई हमें तो यही प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में दस तरह के प्रोडक्ट हैं सपोज कर लीजिए कि मार्केट में एक पर्टिकुलर किसी भी एक शॉप में दस तरह के साबुन हैं लेकिन कस्टमर ने कहा भाई मुझे तो इसी ब्रांड का ही सॉप चाहिए यानी कि कस्टमर की लोअलिटी उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का उस पर्टिकुलर शॉप का एक ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट यूनिक टेक्नोलॉजी जो कि वो टेक्नोलॉजी वो चीज़ें जो कि केवल उसी शॉप में हैं पॉलिसीज दैट आर यूज टू तो अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स जिसकी वजह से जो नए नए इन्वेस्टर्स भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ जुड़ रही हैं क्लियर अब ये तो रहे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अब इसके अलावा कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ जैसे सपोज़ कर लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड का एक साबुन है जो मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि हम लोग इसी ब्रांड का एक शैम्पू भी लॉन्च कर देते हैं लेकिन वो शैम्पू जो है वो उस हिसाब से मार्केट में नहीं चला जिस तरीके से साबुन ने अपनी जो जगह थी वो बनाई थी उस शैम्पू के साथ उतने कस्टमर्स नहीं जुड़ पाए उसके साथ इतने इन्वेस्टर investor, इन्वेस्टर्स जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाए यानी कि वो जो शैम्पू उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था उस शैम्पू की वजह से कंपनी को उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि उसी ब्रांड के साबुन ने उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया था तो इसी वीकनेस को को इसी पॉइंट को स्टॉप करना देखिए स्टॉप एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल यानी कि हमने तो ये सोचा था कि ये जो हमने शैम्पू लॉन्च किया है ये जो शैम्पू है ये इस हद तक हमें फ़ायदा देगा इस हद तक इससे कंपनी को प्रॉफिट होगा लेकिन कंपनी को प्रॉफिट जो है वो नहीं हुआ ठीक है एरियाज कौन सा एरिया है सॉरी <coughs> वेअर द बिजनेस इज नीडिड टू इम्प्रूव कौन सा एरिया है जहाँ पर कि बिजनेस को और इम्प्रूव करना पड़ेगा हो सकता है कोई वीक ब्रांड हो सकता है हाई लेवल ऑफ डेप्ट हो सकता है कि इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ चेन हो या फिर लैक ऑफ कैपिटल बहुत सारे ऐसे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो सकता है तो उन सारे वीक पॉइंट्स को ढूंढना ठीक है देन बात आती है अपॉर्चुनिटीज की ऑपरचुनिटीज के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स रेफर टू फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कुड गिव ऑर्गेनाइजेशन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस न्यू टेक्नोलॉजीज न्यू ट्रेंड्स यानी कि और नई टेक्नोलॉजी या न्यू ट्रेंड्स अपने प्रोडक्ट में लाना ठीक है जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में और स्ट्रोंग पोजिशन जो है वो हासिल कर पाए और भी ऐसी जगह ढूंढना और भी ऐसे प्लेसेस ढूंढना जहाँ पर कि अगर हमने हमारा प्रोडक्ट अभी तक नहीं पहुँचा है और संभावनाएं हैं कि अगर यह प्रोडक्ट हमारा उस पर्टिकुलर प्लेस पर भी लॉन्च हो जाए या उस पर्टिकुलर प्लेस पर भी जाना स्टार्ट हो जाए तो आ, कस्टमर जो है उसके साथ या इन्वेस्टर्स जो है उसके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उससे फ़ायदा हो सकता है टेन बात आती है थ्रेट्स की देखिए थ्रेड्स में ऐसे फैक्टर्स ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है ऐसे ऑब्स्टेकल्स ऐसे वीक पॉइंट्स जिससे कि कंपनी को हार्म हो सकता है जैसे कि हम लोग ये यह, यहाँ पर ये यह, राइजिंग कॉस्ट्स ऑफ मटीरियल जैसे कि पहले पर्टिकुलर अगर हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बनाते थे तो जो मटीरियल यूज़ होता था आ, वो अब मटेरियल जो है वो महंगा हो गया है ये भी हो सकता है कि उस मटेरियल को मटेरियल की जो सप्लाई है वो कम हो गई है ये भी हो सकता है कि मार्केट में जो लेबर है लेबर क्लास है आ, उनकी सप्लाई कम हो गई है बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बिज़नेस को नुकसान हो सकता है ठीक है अब यही है इसके जो चार मेन फैक्टर्स हम लोगों ने किए हैं एक बार मैं फिर से इसके बारे में चर्चा कर लें सबसे पहले स्ट्रेंथ्स यानी कि ये देखना कि हमारी कंपनी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जिनकी वजह से कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है उसके बाद ऐसे पॉइंट ढूंढना या कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स uh, भी हो सकते हैं कोई भी कुछ भी ऐसे ऐसे वीक वीक चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है ऐसे वीकनेस वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करना और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हैं कौन कौन सी न्यू ट्रेंड्स हैं जिनकी वजह से हम लोग मतलब मार्केट में और अच्छी पोजिशन जो है वो होल्ड कर सकते हैं देन लास्ट थ्रेड्स ऐसे कौन कौन सी ऐसी ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से आने वाले टाइम में या फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में कंपनी को जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है या हो रहा है ऐसी थ्रेड्स को फाइंड आउट करना अब बेनिफिट्स देख लेते हैं स्वॉट एनालिसिस के क्या हैं कैन बी यूज इन एनी डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पर्टिकुलर किसी भी डिसीजन को लेने के लिए किसी भी सिचुएशन में स्वॉट एनालिसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि हमारे सामने है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये वीक पॉइंट है ये और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, या फिर ये ये ऑब्स्टेकल्स हमारे सामने आ सकती हैं। किसी भी प्रोडक्ट uh, की लॉन्चिंग से पहले प्री प्लानिंग करना सर्वे के लिए फॉर स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के लिए नई नई स्ट्रेटेजीज के निर्माण के लिए मैचिंग एंड कन्वर्टिंग देखिए मैचिंग इज़ यूज टू फाइंड कम्पिटिटिव एडवांटेज बाय मैच द स्ट्रेंथ्स टू अपॉर्चुनिटी एंड टू कन्वर्ट द वीकनेस इन टू स्ट्रेंथ्स एंड फाइंड अ न्यू एंड एफिशेंट मार्केट देखिए मैचिंग यानी कि हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया लॉन्च करते वक्त हमारे दिमाग में ये था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें इस uh, फ़ायदा होगा क्या हो रहा है या फिर आ, कोई वीक पॉइंट तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट मार्केट में उतना स्टैंड नहीं कर पाया जितने कि हमारे पहले के जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट थे उन्होंने अपना जो स्थान था वो बनाया था तो उन वीक पॉइंट्स को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में बदलना और फिर और नई स्ट्रेटजीज और नई ट्रेंड्स के साथ एक एफिशिएंट मार्केट का निर्माण करना देन बात आती है कॉपरेट प्लानिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज यानी कि अगर हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट पर वीक हैं तो इसका मतलब कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो सही नहीं है अगर जो मार्केट में आ, हमारी जो पोजीशन है और अच्छी बन रही है यानी कि हमारी जो स्ट्रेटेजीज़ हैं वो काम कर रही हैं टू सी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च ये देखना कि गुणनात्मक और गणनात्मक दोनों ही प्रकार की मार्केटिंग रिसर्च में भी SWOT एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अब इसके साथ साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि देखिए ये ये तो बताता है कि कौन कौन से वीक पॉइंट है कौन कौन से स्ट्रोंग पॉइंट्स हैं लेकिन ये नहीं ये नहीं बताता कि उन वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हैंडल कैसे करना है उसके अलावा कितनी आउटपुट अचीव हुई है इसके बारे में ये शो नहीं करता और ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली डिज़ाइन किया गया एनालिसिस uh, है विदाउट एनी क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट इट्स स्ट्रेंथ्स वीकनेसिस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स देन यू मे से स्वॉट एनालिसिस इज सिंपली टू डिफेंड प्रीवियसली डिसाइडेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एट लास्ट यू में से इट इज़ नॉट कोलाबरेटिव थिंकिंग यहां पर जो कोलाबरेटिव थिंकिंग है वो मर्ज नहीं होती है यहां पर जो पर्टिकुलर कंपनी के लोग हैं वही अपनी राय देते हैं लेकिन सबकी थिंकिंग को ये लेकर के नहीं चलता है बाकी मार्केट में एक्सटर्नल ठीक है तो इसके कुछ ये दो चार लिमिटेशंस भी हैं आई होप इट्स क्लियर टू यू